नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RBSC विद HSM में। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की द्वारा एकेडमिक सेशन 2022 से 2023 के अंतर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में रिक्त रही सीटों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम इस संदर्भ में जारी नोटिफिकेशन एवं ऑनलाइन आवेदन के संदर्भ में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमें लॉगिन होना होगा महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर की ऑफिशियल वेबसाइट पर। इस वेबसाइट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही वेबसाइट पर लॉगिन होंगे, हमें इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। एडमिशन दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक नया वेब पेज ओपन होगा। वेबसाइट को स्क्रॉल करेंगे, एडमिशन ऑन वैकेंट सीट्स BA हिस्ट्री पार्ट फर्स्ट, नोटिफिकेशन फॉर वैकेंट सीट्स ऑफ SC एंड ST कैटेगरी इन MSc माइक्रो बायोलॉजी सेमेस्टर फर्स्ट, नोटिफिकेशन रिगार्डिंग वैकेंट सीट्स इन MSc CS PGDCA एंड MCA, नोटिस फॉर डिटेल ऑफ वैकेंट सीट्स एंड एडमिशन इन MCOM BM फर्स्ट सेमेस्टर फॉर सेशन 2022 से 2023, BLIS SC ST एडमिशन नोटिस, MA जियोग्राफी वैकेंट सीट, एडमिशन नोटिस फॉर वैकेंट सीट्स इन इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट, एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश, जैसे महत्वपूर्ण लिंक हमें दिखाई देंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट इन डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के बारे में। दिए गए लिंक पर हमें क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं, हमारे सामने एक PDF फाइल डाउनलोड होगी। इस PDF फाइल को डाउनलोड करके इस प्रकार आसानी से देखा जा सकता है। एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड ऑफलाइन फॉर एडमिशन अगेंस्ट वैकेंट सीट्स ऑफ ऑल द कैटेगरीज फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम। MA English, Post Graduation in Diploma in Translation, Last Date, Application Form फिल करने की लास्ट डेट है 10 अक्टूबर 2022। काउंसलिंग एंड फी डिपॉजिट 12 अक्टूबर 2022 तक कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑफलाइन जो आवेदन है आमंत्रित किए गए हैं, विश्वविद्यालय से हम संपर्क कर सकते हैं। एडमिशन नोटिस फॉर वैकेंसी इन्वायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट। पर्यावरण विज्ञान विभाग में सत्र 2022 से 2023 MSc पर्यावरण विज्ञान सेमेस्टर प्रथम की वरीयता सूची के क्रम में 27/9/2022 व 28/9/2022 को आयोजित काउंसलिंग उपरांत रिक्त सीटों का वर्गवार विवरण निम्नुसार रहेगा। कुल सीटें जर्नल OBC SC ST MBC EWS टोटल सीटों के बारे में एवं रिक्त सीटों के बारे में हम जानकारी यहाँ ले सकते हैं। MSc पर्यावरण विज्ञान सेमेस्टर प्रथम की वर्गवार रिक्त रही सीटों पर आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड पर, यहाँ स्पष्ट किया गया है ऑफलाइन मोड द्वारा आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र विभाग से 31 प्राप्त कर अपराह्न 2 बजे तक जमा कराए जा सकते हैं। आरक्षित वर्ग की रिक्त सीटों पर जिन अभ्यर्थियों ने पूर्व में आवेदन कर रखा है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा वे सीधे ही प्रवेश हेतु आयोजित होने वाले द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। रिक्त रही आरक्षित सीटों पर प्रवेश हेतु द्वितीय काउंसलिंग दिनांक 6/10/2022 को सुबह 10 से अपराह 2 बजे तक विभाग में आयोजित होगी। रिक्त रही अनुसूचित जाति की सीटों को अनुसूचित जनजाति व अनुसूचित जनजाति की सीटों को अनुसूचित जाति के आवेदकों से भर दिया जाएगा। तत्पश्चात भी रिक्त रही सीटों सभी आरक्षित सीटों को सामान्य अभ्यर्थियों से ऑफलाइन मोड द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर भर दिया जाएगा। तो यहाँ पर रिक्त रही सीटों के लिए ऑफलाइन जो आवेदन है आमंत्रित किए गए हैं, विभाग से हम संपर्क कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम MA जियोग्राफी वैकेंट सीट के बारे में। दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे, रिक्त रही सीटों का विवरण यहाँ पर दिया गया है। आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में दिनांक 6/10/2022 को अपराह 3 बजे तक विभाग में जमा कराए जा सकते हैं।
काउंसलिंग के संदर्भ में यह जानकारी दी गई है। 6/10/2022 को प्रातः 10 बजे से 2 बजे तक विभाग में आयोजित की जाएगी। BLIS SCST एडमिशन नोटिस दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की रिक्त रही सीटों पर प्रवेश हेतु सूचना। लास्ट डेट है 5 अक्टूबर 2022 तक। ऑफलाइन या ऑनलाइन माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी 7 अक्टूबर 2022 तक जमा करा सकते हैं। मेरिट लिस्ट 8 अक्टूबर 2022 को जारी की जाएगी। फीस हम 10 अक्टूबर 2022 तक जमा करा सकते हैं। फी डिपोजिशन ऑफ अदर स्टूडेंट्स 11 अक्टूबर 2022। नोटिस फॉर डिटेल ऑफ वैकेंसी टू एडमिशन MCOM। रिक्त सीटों का ब्यौरा यहां पर दिया गया। MCOM प्रथम सेमेस्टर प्रोविजनल वरीयता सूची जारी होने के बाद में जो रिक्त सीटें हैं उनके लिए आवेदन यहां आमंत्रित किए गए हैं। ऑफलाइन मोड के माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं 6/10/2022 तक। MSc, PGDSC एंड MCA। रिक्त सीटें इस प्रकार रही है कैटेगरी वाइज। ऑनलाइन मोड के माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। SCST वैकेंसी MSc माइक्रोबायोलॉजी। विभाग में MSc सूक्ष्म जीव विज्ञान सेमेस्टर प्रथम हेतु अनुसूचित जाति 1 अनुसूचित जनजाति 4 की रिक्त रही सीटों पर नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन पत्र ऑफलाइन मोड में विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर उपलब्ध निर्देशों के अनुसार भरकर विभाग में दिनांक 7/10/2022 को प्रातः 3 बजे तक जमा करवाए जा सकते हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने पूर्व में आवेदन किया हुआ है उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है तथा वे सीधे ही प्रवेश हेतु आयोजित होने वाले द्वितीय काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। द्वितीय जो काउंसलिंग होगी 10/10/2022 को प्रातः 10 बजे से 12:30 तक आयोजित की जाएगी विभाग में। तो हम यहाँ संपर्क कर सकते हैं। इसी तरह से हम बात करेंगे BA हिस्ट्री के बारे में। दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। वैकेंट सीट BA ऑनर्स पार्ट फर्स्ट। छः 10/2022 को इतिहास विभाग में जमा करा सकते हैं हम जो आवेदन पत्र है। इसी तरह से ऑफलाइन मोड के माध्यम से हम इसमें आवेदन कर सकते हैं। जिन विभागों के लिए यहाँ दिया गया है कि किस माध्यम से हम आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए जिन विभागों के द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं ऐसे अभ्यर्थी ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म लिंक पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते हैं हमारे सामने इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा जहां पर फिल एप्लीकेशन फॉर एडमिशन दिए गए लिंक पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते हैं हमारे सामने फर्स्ट नेम मिडिल नेम लास्ट नेम फादर नेम मोबाइल नंबर DOB डे मंथ और ईयर का ऑप्शन मिलेगा। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। आगे की प्रक्रिया में हम भाग लेंगे जहां पर हमें अपनी पर्सनल डिटेल देनी होगी एजुकेशन डिटेल देनी होगी इसके पश्चात फीस जमा करानी होगी एंड
फाइनल सबमिशन करना होगा। इस तरह से हम आवेदन आसानी से कर सकते हैं। आवेदन के संदर्भ में भी हमने पूर्व में विस्तारपूर्वक वीडियोस बनाए हैं, जिनका अवलोकन आप अवश्य करें। तो आशा करूंगा कि जानकारी आप लोगों के लिए काफ़ी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण रहेगी। इन सभी PDF फाइलों का लिंक टेलीग्राम ग्रुप में उपलब्ध करा दिया गया है, जहाँ से आप इन्हें आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ, तब तक बने रहे RBSE with HSM के साथ। जय हिंद, जय भारत।